యోగా గురు బాబా రామ్దేవ్ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. ఇక కోర్ట్ కా ఆదేశ నిర్ణయ యా న్యాయ నహీ హో సక్తా థా ఔర్ ముజే తో ఇస్మే లగ్తా హై కి బడా దిల్ రఖతే హువే హిందూ భాయియో కో భీ మస్జిద్ నిర్మాణ కే లియే సహయోగ్ దేనా చాహియే. और क्योंकि राम मात्र हिंदुओं के ही नहीं, वो मुसलमानों के भी पूर्वज हैं, राम भारत के पूर्वज हैं. आज हमारे मजहब अलग होने से पूर्वज अलग नहीं हो जाते, और यह ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है कि आज से 500,000 साल पीछे जाएंगे तो राम हम सबके पूर्वज हैं, हम ये पाएंगे. इसलिए अपने पूर्वज को सम्मान देने के नाते मुस्लिम भाइयों को भी मंदिर निर्माण में सहयोग देना चाहिए. ऐसा होने से भाईचारे की एक दुनिया में नई मिसाल पेश करने में भारत का गौरव बढ़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस समय हिंदुस्तान पर हैं. कुछ अराजक तत्व, कुछ जिनके अंदर मजहब का उन्माद भरा है, ऐसे तत्व देश की शांति सद्भावना, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार कर सकते हैं, देश का माहौल खराब करने के लिए भी चेष्टा कर सकते हैं. ये देश का एक बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा का भी काल है कि देश में किसी भी प्रकार का धार्मिक मजहबी सांप्रदायिक उन्माद पैदा ना हो. यह हम सब देश के जिम्मेदार नागरिकों का उत्तरदायित्व तो भी है, और इस शांति सद्भाव को बनाए रखने के लिए धार्मिक आध्यात्मिक राजनीतिक क्षेत्र के जितने भी वरिष्ठ हैं उन सबको अपील भी करनी चाहिए. और यदि कोई किसी भी प्रकार से इस देश की शांति को भंग करने की कोशिश करता है तो उसको रोकने के लिए भी आगे आना चाहिए, क्योंकि देश में शांति सद्भावना और सुरक्षा को बनाए रखना यह मात्र आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी की या देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी की ही जिम्मेदारी मात्र नहीं है, ये समाज की भी जिम्मेदारी है, ये साधु संतों की भी जिम्मेदारी है, ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि हम देश का किसी भी तरह से माहौल खराब न होने दें. और मुझे विश्वास है कि हम एकता शांति सद्भावना की मिसाल कायम करने में कामयाब होंगे और इस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे. और क्योंकि अब तो कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, और राम हमारे आराध्य तो है ही, राम हमारी अस्मिता होने के साथ साथ राम मर्यादा है, हमें मर्यादा को नहीं तोड़ना है. राम धैर्य की मूर्ति है, हमें अपना धीरज नहीं खोना है. राम क्षमा की मूर्ति है, हमें किसी भी प्रकार का किसी भी समाज में प्रतिशोध पैदा हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है. इसलिए कोई भी ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन जिससे कि किसी अन्य वर्ग में बैर प्रतिशोध या आक्रोश पैदा हो, इस तरह का कोई कार्य नहीं करना है. राम तो हमारा चरित्र है, हमने तो गीत गाए हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हम ही राम हैं, हम ही शिव हैं, शिवो हम के गीत गाए हमने, हम ही हनुमान हैं, हम ही बुद्ध हैं, हम ही नानक हैं, हम ही गौतम कड़ाद जमनी पाणिनी पतंजलि के मूर्त रूप उनके प्रतिनिधि हैं. इसलिए हमें उन्हीं मर्यादाओं का पालन करना है जिन मर्यादाओं में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम जिए. और राम एक है मंदिर में आस्था के केंद्र, दूसरा राम हमारे आचरण की श्रेष्ठता में. इसलिए अब राम मंदिर के बाद में राम राज्य इस देश में कैसे कायम होगा? वह राम राज्य किसी शासन के द्वारा कायम नहीं होगा, वह हमारे आत्म अनुशासन से, हमारे चरित्र से, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम ने जीवन भर मर्यादित आचरण करके, पुरुषार्थ करके, अपने स्वधर्म का, अपने मातृधर्म का, पितृधर्म का, राष्ट्र धर्म का, अपने स्वधर्म का, मानव धर्म का पालन करके
और पूरे विश्व में एक श्रेष्ठ मनुष्य का चरित्र कैसा होता है, एक मर्यादित जीवन कैसे होता है, एक दिव्य जीवन कैसा होता है, एक अनुशासित जीवन कैसा होता है, ये हमारे सामने मिसाल पेश की है। हम राम के वंशज होने का भी धर्म निभाएंगे और इस देश में अब राम मंदिर के बाद में राम राज्य कैसे आए, अर्थात सब प्रकार की दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप संताप इस देश में, किसी भी प्रकार की भूख और दरिद्रता ना हो, किसी भी प्रकार का वैर भाव ना हो, उसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा। और इस देश में अब किसी भी प्रकार के मजहबी उन्माद का कोई मुद्दा मुझे नहीं लगता कोई शेष रहा है। अब सब अपने कर्म को अपना धर्म मान करके और मजहब को अपने आंतरिक जीवन का, अपने आंतरिक आचरण का, अपने आचरण की श्रेष्ठता का आदर्श मान करके आगे बढ़ेंगे तो ये देश बहुत आगे बढ़ेगा और मजहबी तौर पर अभी इस देश में कोई दंगा फसाद नहीं होगा। जी क्रियाओं में जन सामान्य के विश्वास को और मजबूत करेगा और हमने देखा भी कि पूरा देश आज एकजुट खड़ा है। दोनों पक्षों ने ये कह दिया था कि फैसला जिसके भी पक्ष में हो, जीत किसी की नहीं है, हार किसी की नहीं है। प्रतिक्रिया? ये सच बात है कि ये हार जीत का मुद्दा नहीं है और देश के हिंदू ने, देश के मुसलमानों ने, सबने एक स्वर से कहा है कि देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, ये देश सत्य के आधार पर चलेगा। और हिंदू और मुसलमानों ने कोर्ट के फैसले से पहले ऐसा बोला और अब कोर्ट का फैसला आने के बाद सबने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करके एकता शांति सद्भावना और सौहार्द का माहौल बना रखने के लिए अपील की है और वो देश में माहौल बना हुआ और इसको किसी भी कीमत पर हम बिगड़ने भी नहीं देंगे, ये प्रतिबद्धता जताई है। तो ये भारत के लोकतांत्रिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, मजहबी दृष्टि से परिपक्व होने का एक बहुत बड़ा भारत ने कीर्तिमान बनाया। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला यदि सर्व सम्मति से नहीं होता तब तो जफर साहब की बात वैलिड होती कि वो रिव्यू पिटीशन में जाते। अब मुझे लगता है रिव्यू पिटीशन में जाने का कोई मतलब नहीं है यदि वो मजहबी तौर पर अपने समुदाय के लोगों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कह रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत मामला है। बाकी अब इस निर्णय के बाद में इस मुद्दे में कोई दम बचा नहीं है, अब पूरा दूध का दूध पानी का पानी एक ऐतिहासिक सत्य एक न्यायपूर्ण फैसला आ चुका है। अब इसमें और नुक्ता चीनी करना मुझे लगता है वो शोभा नहीं देता। देखिए सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, ये कहना ही विरोधाभासी है। देखिए ये सच है कि एक दो नहीं से देश में सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़े गए, बहुत सारे हमारे शहरों के नाम बदले गए, इमारतों के नाम बदले गए, इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ हुआ, इसलिए इतिहास के पुनर्लेखन की बात भी बहुत जोर पकड़ रही है इस देश में। लेकिन अब हम लोगों को मंदिर मस्जिद के मुद्दों से बाहर निकल करके भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, वर्ल्ड की स्पिरिचुअल पावर कैसे बनेगा, पूरी दुनिया की मिलिट्री पावर बनने के लिए, एजुकेशन पावर बनने के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की सुपर पावर बनने के लिए हमें सब दिशाओं से देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इन दोनों मुद्दों को
देखिए मुद्दे तो हमेशा जिंदा रहते हैं, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। अभी से देश के बहुसंख्यक समाज को भी आत्मसंतोष है कि उनके बहुसंख्यक होने का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया जाएगा इस देश में।